जानिए अपने बिल को और बचाइए बिजली का बिल का पैसा 10 से 30% तक। आपके बिल में जो KWH लिखा रहता है वो है किलो वाट पर आर, दैट इज जो कि बिजली कंजम्पशन या यूनिट कंजम्पशन है पर आर के हिसाब से। लेकिन बिजली विभाग आपसे जो बिल लेता है, पेमेंट लेता है, वो KVAH के हिसाब से लेता है, जो कि है किलो वोल्ट वोल्टेज। इस पावर को जनरेट करने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ी उसके लिए। तो अब अगर हम लोग KWH को KVAH से डिवाइड करें तो इसको पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर 1 के जितना नज़दीक होगा आपके एक्चुअल कंजम्पशन और बिजली के बिल में डिफरेंस उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। नॉर्मली जिन बिल्डिंगों में मशीनें पुरानी हैं वहाँ पर पावर फैक्टर 0.7-0.8 आता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका एक्चुअल कंजम्पशन 80,000 का है तो बिल करीब 1,00,000 या 1,10,000 तक का आता है। इस गैप को कम करने के लिए ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल का आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर फैक्टर पैनल 3-4 चीज़ों से बना है। एक पावर फैक्टर की पैनल की बॉडी, दूसरा बस बार, स्विचेस, MCV और कैपेसिटर सिलेंडर्स। तो इनके कॉम्बिनेशन से विशेषज्ञ आपके रिक्वायर्ड रेशियो में ये पैनल बना के लगा देता है और फिर एक्चुअल कंजम्पशन और एक्चुअल बिल के बीच का गैप काफ़ी कम हो जाता है और इससे आप 10 से लेकर 30% तक की बिजली के बिल में अपनी बचत कर सकते हैं। धन्यवाद।